आप सभी का स्वागत है दोस्तों सरजी क्लासेस में। तो हम लोग जैसे कि जनरल स्टडी डिस्कस कर रहे थे आपकी यूपीपीएससी स्टेन इंजीनियर एग्जाम के लिए, जिसमें कि आपका पेपर टू में जनरल स्टडी जो सब्जेक्ट है, जो कि 25 क्वेश्चन आपके आएंगे 75 मार्क्स के, तो वो हम लोग देख रहे थे। और देखिए, हमने इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाएंगे, तो हमने यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से आपका स्टार्ट किया हुआ था। तो इसके दो लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको पहले देख लीजिए। और देखिए, जनरल स्टडीज़ के जितने भी सब्जेक्ट है तो वो हम आपका कंप्लीट करा देंगे, जिससे कि आपका इसका भरपूर तैयारी हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, जो भी सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है, तो वो हम आपका यहाँ पे करा देंगे। आप लोग टेक्निकल अपने तरफ से पढ़ते रहिए, जो नॉन टेक पोर्शन है तो वो हम आपका करा देंगे। हम जैसे हिंदी का और जनरल स्टडी का, जो कि आपके पेपर और पेपर टू में जो पूछा जाएगा नॉन टेक पोर्शन, तो वो आपका हम पूरे का पूरे करा देंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए अपने तरीके से, हम भी बहुत ज़्यादा अपने तरफ से हेल्प आपको कर ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो देखिए, आज जो है हम लोग इकोलॉजी के बारे में देखेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग इकोसिस्टम्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए, इकोलॉजी का इसका जो टर्म है, ये कॉइन किया गया था प्रोफेसर आर मिश्रा के द्वारा। तो इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो ये आप लोग क्वेश्चन सबसे पहले तो ये याद रखना। तो देखिए, जो इकोलॉजी वर्ड है, तो ये बायोलॉजी का ये एक ब्रांच है, जैसे कि हम साइंस के अंदर में इसको स्टडी करते हैं हम लोग, लेकिन आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना है यहाँ पे। तो जिसके अंदर में हम लोग ऑर्गेनिजम्स का, जो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में वो, या फिर कोई भी इन्वायरमेंट में जो भी ऑर्गेनिजम्स है जहाँ पे वो रहते हैं, तो वो उनका किस तरीके से इंटरकनेक्शन होता है उनके बीचों में, तो ये चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर में। तो इसके अंदर में देखिए, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हो जाएंगे या फिर जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो वो सारे चीज़ इसके अंदर में इंक्लूड किए जाते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। तो देखिए, इसके अंदर में हम लोग इकोलॉजी के अंदर में हमारा जो एरिया रहता है, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, फोकस ज़्यादा अपना करते हैं, तो जैसे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया यहाँ पे किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक जगह पे। जैसे कहीं पे अगर लैंड एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रहेंगे, जैसे वो ऑर्गेनिज्म स्पेशली वही रहेंगे जो सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मरुस्थल जैसे एरियाज होंगे, तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर ऐसे एनिमल्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि जो उसके लिए सुटेबल होगा। तो ये बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसी तरीके से। इसके अलावा पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिजम्स है तो उसका पॉपुलेशन किस जगह पे कितनी है, तो ये सारा चीज़ हम लोग इकोलॉजी के अंदर में स्टडी करते हैं हम लोग। और इसके साथ साथ में उनका कॉपरेशन कैसा है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ में, या फिर उनका कंपटीशन कैसा है अपने स्पीसीज के बीच में। जैसे अगर कोई स्पीसीज है तो उनको अलाइव करना है, यानी कि उनको सर्वाइव करना है, तो उनको जैसे फूड के लिए कंपटीशन भी करनी पड़ती है, अपने जिंदा रखने के लिए भी उनको कंपटीशन करनी पड़ती है। तो ये सारा चीज़ जो है इसके अंदर में, इकोलॉजी के अंदर में पढ़ी जाती है। तो देखिए, यहाँ पे एक टर्म आता है इकोसिस्टम का, तो इकोसिस्टम भी यही एक पार्ट हो गया इकोलॉजी का ही। क्योंकि देखिए, इकोसिस्टम ये कम्युनिटी होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ अपना एक, जैसे कि कितना किस तरीके से अपना एक रिलेशन बना के रखते हैं, या फिर कंजक्शन करके अपना रखे रहते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, तो उसी टर्म को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। तो ये एक तरीके से इंटरकनेक्टिंग सिस्टम होता है बिटवीन लिविंग बींग्स के बीच में और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में, एक पर्टिकुलर कोई एक इन्वायरमेंट में। जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि कोई अगर मैरिन एरियाज है, यानी कि वाटर है वहाँ पे, तो उसके अंदर जो भी स्पेसिस रह रहे होंगे और जो भी वहाँ के सराउंडिंग से इन्वायरमेंट होंगे मैरिन का, तो वो एक हो गया एक तरीके से मैरीन इकोसिस्टम हो गया, एक नेचर उसका अलग होगा। इसी तरीके से जैसे लैंड सरफेस है, तो लैंड सरफेस पे जो भी वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे, तो जो भी वहाँ पे फैसिलिटीज उनके लिए अवेलेबल है, तो उन्हीं चीज़ के लिए वहाँ पे क्या होगा, उनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट होगा दोनों के बीच में, या फिर इंटरकनेक्शन होगा उन दोनों के बीच में। तो देखिए, जो टर्म इकोसिस्टम है, तो ये भी क्वाइन किया गया था सर आर्थर टांसले के द्वारा इन 1935 में। तो ये भी आप लोग याद रखना कि जो इकोसिस्टम टर्म है ये किसके द्वारा क्वाइन किया गया था, तो सर आर्थर टांसले के द्वारा किया गया था। तो देखिए, जो इकोसिस्टम है, तो ये बहुत सारे टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। जैसे कि यदि हम बात करते हैं लैंड पर रहने वाले जितने जीव हैं, या फिर उसके चलते जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरकनेक्शन करते हैं, जो कि लैंड एरियाज में रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग लैंड इकोसिस्टम। उसी तरीके से एक इकोसिस्टम होगा मैरीन इकोसिस्टम, जहाँ पे केवल मैरीन्स में वाटर हो गया और उसके अंदर में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो वो वहाँ पे उसके लिए पर्टिकुलरली वहाँ पे निर्देशित किया जाएगा उसका। तो यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर में
कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी कि जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है, तो इसके संबंध में इसका अध्ययन हम लोग इसमें क्या करते हैं, किसके बीच में रिलेशनशिप ये दिखाता है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन वन हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो इकोलॉजी है, तो इसमें हम लोग जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने एनवायरमेंट में किस तरीके से आपस में रिलेशनशिप रखते हैं, तो ये चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर में। अब इसके बाद जैसे आपका दिया हुआ है इसमें ऑप्शन बी मैन एंड एनवायरमेंट है, तो यहाँ पे देखिए इकोलॉजी जो है तो ये केवल एक मैन के लिए ही नहीं है, इसमें जितने भी और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे एनिमल्स हो गया या फिर और भी कोई ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो सभी के लिए ये रिलेशनशिप देखी जाती है इकोलॉजी के अंदर में। तो केवल मैन एंड एनवायरमेंट ये नहीं होगा इसमें, सॉयल और वाटर भी नहीं होगा या फिर हस्बैंड वाइफ भी नहीं होगा। तो इसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु इज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो इंडियन इकोलॉजी के जनक कौन है, तो इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था जो आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोफेसर आर मिश्रा है इसके, जो इंडियन इकोलॉजी के इनको फादर बोला जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको इकोसिस्टम के पूछा जाता है कि इकोसिस्टम जो टर्म है वो कॉइन किसने किया था, तो उसका किसने किया था, तो एजी टांसले आपका हो जाएगा, आर्थर टांसले उन्होंने दिया था टर्म इकोसिस्टम का, तो वो भी आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम इज, तो देखिए जो इकोसिस्टम है वो चाहे किसी भी टाइप का हो, तो वहाँ पे एनर्जी का जो सोर्स होता है तो इसमें आपको डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सनलाइट है, डीएनए है, एटीपी है, आरएनए है, तो देखिए कोई भी इकोसिस्टम होती है तो सनलाइट तो वो एक मेजर तो एनर्जी का सोर्स तो होती है, क्योंकि जो भी प्लांट्स होते हैं या फिर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो तो डिपेंडेंट एक दूसरे पर होते ही हैं, तो इनमें मेजर होता है जैसे फूड का ऑप्टेंट करना रहता है तो प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो प्लांट भी तो सबसे पहले वो सन से लाइट लेती है तभी तो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करती है। तो सोर्स ऑफ जो एनर्जी है कोई भी इकोसिस्टम का, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सनलाइट हो जाएगा। अब भाइये हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इकोसिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं, तो देखिए जो इकोसिस्टम है तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होते होंगे कि जो कि सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर के होते हैं, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन का ज़्यादा डायरेक्ट इसमें इंटरेक्शन या इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होगा, या फिर इसमें ज़्यादा वो मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं कि जैसे उसको पूरी तरीके से चेंज कर दे, हालांकि थोड़ी बहुत इंटरेक्शन तो होगी ह्यूमन का, लेकिन ये क्या होगा उनका उतना ज़्यादा नहीं होगा जिस तरीके से आर्टिफिशियल में होती है। तो नेचुरल इकोसिस्टम ये क्या आपका हो गया, एक तरीके से एक सेल्फ रेगुलेटिंग होती है जो नेचर के द्वारा खुद ही क्रिएट किया गया है। तो इसका जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे पोंड आपका हो गया जो छोटा तालाब होता है, इसके अलावा जो लेक्स होते हैं, रिवर हो गया, नदी हो गया, इसके अलावा जो स्ट्रीम्स होते हैं, या फिर जो इसके अलावा जो सी हो गया या ओशियन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, जो जंगल होते हैं, इसके अलावा जो ग्रासलैंड्स होते हैं, डेजर्ट हो गया, तो जितना भी आप देखते होंगे नेचर में तो वो सारे चीज़ क्या है, एक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है जो कि एक नेचुरल इकोसिस्टम का ये सारे एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे इनमें जो नेचुरल इकोसिस्टम है तो ये उनके हैबिटेट के ऊपर भी इनको डिपेंडेंट किया जाता है कि किस तरीके से जो है वहाँ का हैबिटेट है, या फिर जो रहते हैं ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे उनका किस तरीके से है। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है तो हम यहाँ पे देखिए हैबिटेट के बेसिस पे इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है अलग अलग तरीके से, यानी कि उनका नेचुरल घर कैसा होता है कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो उस तरीके से यहाँ पे देखिए एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होते हैं तो इसके अंदर में वो चीज़ आएंगे जैसे कि लैंड एरियाज में जो भी रहते होंगे, तो इसके अंदर में जैसे आपका हो गया फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स हो गया या डेजर्ट्स हो गया, तो ये सारे जितने भी चीज़ हैं तो ये सारे आपको लैंड एरियाज में ही आपको दिखाई देने को मिलेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो यहाँ पे ये हैबिटेट है कि जो लैंड में रहते हैं। अब उसी तरीके से देखिए कुछ होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम देखिए ये दो तरीके के होते हैं, ये तो ये हो सकता है कि जैसे फ्रेश वाटर हो गया होगा जहाँ पे वाटर जो है बहुत ही फ्रेश रहती होगी, या फिर इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं कि जैसे साल्टी वाटर रहते होंगे, तो साल्टी वाटर आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो ओशियंस है तो वो साल्टी वाटर ही है, तो ये इसके अंदर में जैसे आपका मेरीन आ गया या फिर जो इस्ट्यूरीज होते हैं तो ये सारे इसके अंदर में आ जाएंगे, और जो एक जो फ्रेश वाटर में है तो ये आपका जैसे पॉन्ड हो गया, लेक्स हो गया, या फिर जो स्ट्रीम्स हो गया, तो ये दो चीज़ में इनका भी डिवीजन किया गया। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है और उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या है, और आप लोग ये भी इसको एनालिसिस कर सकते हैं या फिर इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर में कौन कौन आएगा। अब वहीं पे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की,
तो ये मैन मेड होती है, यानी कि ये ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हुई एक इकोसिस्टम है कि जिसमें कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, तो इन सारे जो इकोसिस्टम बनाया गया तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर इस तरीके के जो इन्वायरमेंट रहते हैं उसको वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और हालांकि देखिए, ये जो इकोसिस्टम्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम को ही कन्वर्ट करके उसको बनाया जाता है मैन मेड इकोसिस्टम। तो इसका जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई एक नेचुरल फॉरेस्ट है, नेचुरल जो फॉरेस्ट एरिया है हम उसको कट कर देते हैं, कट करने के बाद उसका लैंड हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे क्रॉप्स को उगाने के लिए या फिर प्लांटेशन करने के लिए। तो ये एक हो गया एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। तो जहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर यानी कि प्लांटेशन करते हैं या फिर खाने के लिए ही जो जो भी उपज वो फसल उगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि लैंड एरिया को सबसे पहले वहाँ पे कट करके वो सबको प्लेन किया जाता है, फील्ड बनाया जाता है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉडिफाई की जा रही है एक नेचुरल इन्वायरमेंट को, या फिर जो नेचुरल इकोसिस्टम पहले था उसको हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं। तो दूसरा ये बन गया एग्रीकल्चर इकोसिस्टम बन गया। तो ये इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे एक इकोसिस्टम जो है आर्टिफिशियली क्रिएट की जा रही है जो कि ह्यूमन के द्वारा मॉडिफाई की जा रही है। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल है जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की यदि हम बात करते हैं, तो इसका देखिए जैसे गार्डन्स हो गया, तो जो भी आप आसपास अपने गार्डन्स जो देखते होंगे आप लोग, तो वहाँ पे भी वो ह्यूमन के द्वारा ही क्रिएट किया गया हुआ है। इसके अलावा जितने भी पार्क्स होते हैं या फिर जो एक्वेरियम हो गया, एक्वेरियम भी आप देखते होंगे कि जिसके अंदर में जो मछली रहती है या फिर और भी जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो वो सारे क्या हो गए, एक तरीके से मैन मेड होते हैं जो कि नेचुरल से थोड़ा सा इनमें डिफरेंट तो होगा ही होगा। अब देखिए ये सारे जो इकोसिस्टम्स हैं, जो नए आर्टिफिशियली इकोसिस्टम्स हैं, तो इनके अंदर में जो मैन जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है, उनका जो भी फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट होगा वो अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग वो उसको कन्वर्ट वो कर सकते हैं। तो ये होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आई होप कि अब आपको इसको कैटेगराइजेशन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाएगा, यदि आपको एग्जाम्पल भी दिया रहेगा कि ये किस टाइप का आर्ट यानी इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दिया गया, जैसे आपसे पूछ लें ये एग्रीकल्चर जो सिस्टम्स है तो ये किस टाइप का इकोसिस्टम है, तो ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। उसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में से यदि आपका जैसे मान लीजिए कि फॉरेस्ट हो गया, फिर जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो ये किस टाइप का इकोसिस्टम है, तो ये सारे एक नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है जो कि हम लोग आगे क्वेश्चन भी इसका करेंगे हम लोग। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे टेरेस्ट्रियल या फिर जो लैंड बेस्ड जो इकोसिस्टम्स होते हैं तो उनके बारे में देखते हैं हम लोग, क्योंकि इसके अंदर में फर्दर इनका बहुत ज़्यादा और भी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखिए जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है तो ये गवर्न होते हैं कि जैसे ईयरली जो डिफरेंसेस होते हैं टेम्परेचर के अंदर में या फिर रेनफॉल के अंदर में या सॉयल कंडीशन के अंदर में या फिर जो न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी होती है, तो ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे। आप जैसे हम लोग भी लैंड इकोसिस्टम पे ही रहते हैं, हम लोग जमीन पे रहते हैं यानी कि जो भी आसपास इन्वायरमेंट है, तो आप देखते होंगे कि कभी टेम्परेचर कम होती है कभी ज़्यादा हो जाती है, या फिर जो रेनफॉल है कहीं पे ज़्यादा होती है कहीं पे कम होती है, और सॉयल भी है तो सॉयल का भी नेचर अलग अलग होती है, कहीं पे आपको लाल मिट्टी या कहीं पे ब्लैक मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। और इस तरीके से बहुत सारे और भी अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे सनलाइट की अवेलेबिलिटी हो गया या फिर जो अदर जो बायोटिक या अबायोटिक जितने भी फैक्टर्स है, तो ये सारे जितने भी इन्वायरमेंट के जो हिस्से हैं या फिर जो पार्ट है ये, तो ये सारे फैक्टर जो है गवर्न करते हैं लैंड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स को। तो ये चीज फैक्टर को देखते हुए ही जो इकोसिस्टम है लैंड इकोसिस्टम का, तो इनको फर्दर और जैसे कि इनको कैटेगराइज किया गया हुआ है। तो इसमें से आपका जैसे हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो देखिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम को इसको कैटेगराइज किया गया है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसली फॉरेस्ट कवर होती है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे आपस में जो कि क्लोजली आपस में एक दूसरे से होंगे। अब यहाँ पे देखिए ऐसे एरियाज ये होते हैं कि जहाँ पे प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होती होगी, क्योंकि पेड़ अगर ज़्यादा है तो रेनफॉल ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा हो रही होगी, और अगर रेनफॉल ज़्यादा हो रही होगी तो वहाँ पे प्लांट ज़्यादा होंगे ही होंगे। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं कि इसी कारण से यहाँ पे क्या है कि पेड़ ज़्यादा होते हैं, रेनफॉल ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए क्या है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है, तो ये आपको हर जगह पे आपको अलग अलग डिफरेंट जगह पे आपको ये सारे फैक्टर आपको वहाँ पे वेरिएशंस में देखते हुए मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे देखिए जो फॉरेस्ट होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर में, तो यहाँ पे भी बहुत सारे वेरायटी ऑफ फॉरेस्ट टाइप आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट हो गया, या फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया। तो ये सारे देखिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो ये आपको ट्रॉपिकल जोन्स में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको पढ़ाया होगा, आपको यदि अपने ज्योग्राफी का लेक्चर अभी आपने देखा होगा तो वो कौन सा रीजन पे है, तो ये इसीलिए इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला गया है। और एक आपका इसमें जैसे दिया आपका यहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो जो टेम्परेट जोन में होते होंगे तो वो वहाँ पे उस टाइप के जो पर्टिकुलर उस रीजन में जो ग्रो करते होंगे, तो उसी को बोलाता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट बोली जाती है। तो ये चीज़ ज्योग्राफी वाले आपने देखा होगा ज्योग्राफी का लेक्चर में आपने, और इसको भी हम कवर करेंगे आगे भी। फिर देखिए अगला है ग्रासलैंड इकोसिस्टम है,
तो देखिए जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, तो इनको इस तरीके से करेक्टराइज किया जाता है कि यहाँ पे कोई भी, यानी कि ये एक ट्रीलेस हर्बेशियस होता है, यानी कि कोई भी ट्री यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर आपको देखने को मिलेंगे भी तो वो रेयर होते हैं, एक या दो ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो डोमिनेट किया जाता है तो वो ग्रास के स्पीसीज बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको एक ही टाइप के ग्रास आपको देखने को मिलेंगे पूरे चारों तरफ आपको, जिसमें आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो मेजरली जो लैंड है वो डोमिनेट किया जाता है ग्रास के द्वारा। लंबे लंबे यहाँ पे ग्रास होते हैं जिनको हम लोग शब्स भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ट्री जो है नॉर्मली एबसेंट ही रहते हैं एक तरीके से। तो ये क्वेश्चन आपसे यदि पूछा जाएगा कि ट्रीज कौन से जो इकोसिस्टम है जहाँ पे एब्सेंट रहते हैं, तो वो आपका एक तरीके से ये भी एक हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आप ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है। फिर अगला देखिए डेजर्ट इकोसिस्टम है। तो देखिए जो डेजर्ट इकोसिस्टम्स होते हैं तो यहाँ पे ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो डेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं, और जो नाइट्स होते हैं यानी कि जो रात का समय होता है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी प्लांट या एनिमल जो रहते होंगे, तो इन दोनों को यहाँ पे इस तरह के कंडीशन को, एक्सट्रीम कंडीशन को झेलनी पड़ती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे वो तो ऐसे, यहाँ पे ऐसे ही प्लांट आपको देखने को मिलेंगे कि जो इस कंडीशन को सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पे एक तरीके से जो प्लांट जो मिलती है, तो एक एग्जाम्पल आपका जैसे कैक्टस हो गया, तो ये एक ऐसा इसका नेचर होता है कि ये अपने अंदर में जो है वाटर को कंजर्व करके रखे रहती है अपना एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि ये जानता है कि वाटर की अवेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम होती है। तो इन सारे कंडीशन को देखते हुए आपको यहीं पे इसी टाइप पे ही जो इन्वायरमेंट में आपको उसी टाइप के जो पेड़ पौधे होंगे या फिर जो एनिमल्स होंगे वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये सारा जो इकोसिस्टम है, तो ये आप लोग अच्छे से समझना है इसको, इसी के बेसिस पे है जो आप लोग क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं जो आपको आगे मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन जो कि पूछा गया एग्जाम में है, तो देखिए क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आर, तो यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है तो वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, ओशियंस है या ग्रेट लीप्स है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओशियंस हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो ओशियंस है तो ये भी एक टाइप का इकोसिस्टम ही है, लेकिन ये क्या है, लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में यदि हम बात करते हैं। आप जानते हैं कि ओशियन जो है तो वो लगभग 70% अकेला कवर करते हैं, तो इसीलिए एक लार्जेस्ट इकोसिस्टम बनाते हैं अपना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट स्टेबल नेचुरल इकोसिस्टम इज, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सबसे जो अधिक स्थिर प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आप पहले टर्म को समझ लीजिए, यहाँ पे जो स्टेबल नेचुरल इकोसिस्टम आपको दिया गया है, तो इकोसिस्टम को हम स्टेबल बोलते हैं, वो कब बोलेंगे उसको हम स्टेबल इकोसिस्टम है कि जब वहाँ का जो उसका स्ट्रक्चर है और जो उसका फंक्शन है तो वो कांस्टेंट रहे एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि आज अगर है तो वो फिर चेंज हो जाए 2 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद। वो नेचुरल जो भी इन्वायरमेंट में वो ऑर्गेनिज्म जो रह रहे होंगे या फिर जो भी वहाँ का स्ट्रक्चर है उसका, तो वो कांस्टेंट रहे एक लंबे समय के लिए, वहाँ पे कोई परिवर्तन ना हो। तो यदि आप यहाँ पे देखिएगा जैसे डेजर्ट है, तो डेजर्ट में भी देखिए यहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम। और उस तरीके से फिर जैसे आपका इसमें फॉरेस्ट दिया हुआ है, तो फॉरेस्ट को भी जैसे कट कर दिया था, तो वहाँ पे वो जो उसका नेचर है या फिर जो स्ट्रक्चर जो रहता है उसका, तो वो चेंजेस होते रहते हैं उसके भी। तो इसको भी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि एक मोस्ट स्टेबल नेचुरल इकोसिस्टम है। फिर उसमें आपका जैसे तालाब दिया, आपका पॉन्ड दिया हुआ है, तो पॉन्ड भी है, ये भी आपका जैसे चेंज होते रहता है, गर्मी के दिनों में ये सूख जाता है तो इसका नेचर चेंज हो जाएगा, तो ये भी स्टेबल तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओशियन हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है। तो ओशियन है तो ये आप जानते हैं कि ओशियंस है, तो ये तो ना तो कभी खत्म होगा और ना तो ये कभी सोख सकता है या फिर इसको सूख सकता है। तो ये तो क्या है कि एक तरीके से एक स्ट्रक्चर जो है इसका वो हमेशा रहेगा, और इसका जो फंक्शन है तो वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, वो इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसीलिए मोस्ट स्टेबल नेचुरल इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, ओशियंस हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा स्थलीय समुदाय है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जो बायोम है। तो देखिए जो बायोम होते हैं तो ये एक कम्युनिटी होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, जिनका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एनवायरमेंट का जहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए जो बायोम्स होते हैं तो यानी कि जो कम्युनिटी होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का, तो ये आपको लगभग जितने भी कॉन्टिनेंट्स होते हैं तो आपको वहाँ पे हर जगह आपको ये देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये एक लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी बनाते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन, तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कहाँ पे फाउंड होगी, तो ये आपका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे ग्रासलैंड दिया हुआ है, ओशियन दिया हुआ है, डेजर्ट दिया हुआ है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग प्रोडक्टिविटी टर्म का समझिए। तो देखिए प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि एक पर यूनिट एरिया में कितना जो प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी चीज़ का।
तो वो डिपेंड करता है उसका प्रोडक्टिविटी का। तो अब देखिए इसके फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं कि मान लीजिए कि बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ पे आप जितना ग्रो करना चाहते हैं वही चीज़ यदि आप लोग कम एरिया में ही आप ग्रो कर लेते हैं उतना ही क्वांटिटी ऑफ चीज़ में, तो वो प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? तो जो कम एरिया में आप लोग ज़्यादा उगा ले रहे हैं वाइट के उतना ही क्वांटिटी आप उगा लेते हैं या फिर कुछ भी कर लेते हैं तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इस हिसाब से कहाँ पे होगी, तो इसका देखिए ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है इसमें ग्रास लैंड है, डेजर्ट, ओशियन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो इसका राइट आंसर डी आपका हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा। तो देखिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं तो ये ऐसे जगह होते हैं कि जहाँ पे प्लेंटी ऑफ सोलर लाइट अवेलेबल होते हैं या फिर वाटर अवेलेबिलिटी होती है। तो अब जहाँ पे जो सोलर लाइट है यानी कि जो सनलाइट है और इसके अलावा जो वाटर है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी तो प्रोडक्टिविटी वहीं पे होगी, कोई भी प्लांट हो गया या फिर प्लांट के जो स्पेसीज होते हैं तो वहीं पे आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेंगे। बट जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो यहाँ पे आपको सिर्फ घास ही घास आपको दिखाई देंगे, तो यहाँ पे क्या है कि वाटर का थोड़ा सा स्कैर्सिटी हो जाती है या फिर यहाँ पे सनलाइट तो मिलती है लेकिन एक चीज़ का अभाव हो जाती है, तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा उतना नहीं हो पाएगा। और डेजर्ट भी है तो डेजर्ट तो आप लोग जानते ही हैं इसके बारे में। फिर देखिए जैसे ओशियंस है तो ओशियंस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वहाँ पे उतनी मात्रा में सनलाइट नहीं मिल पाती है जो भी ऑर्गेनिजम्स जैसे उसके अंदर में रहते हैं। तो इस तरीके से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि जो भी ग्रो करना होता होगा, जो भी स्पेसीज होते होंगे प्लांट्स के जो डिफरेंट वेराइटीज़ के होते हैं, तो वो जो रीजन है ये सुटेबल है यानी कि प्रोडक्टिविटी के लिए। बाकी ये सब जगह पे भी होते हैं लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किस पे होगी ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर नहीं देता, इसके जगह पे और कुछ दे देता आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर मार्क करना होगा दूसरा कोई ऑप्शन। अब भाई हम लोग समझते हैं बायोस्फीयर के बारे में। तो देखिए बायोस्फीयर का मतलब होता है, बायो का यहाँ पे टर्म होता है मीन्स लाइफ और स्फीयर का मतलब होगा कि रीजन, यानी कि ये एक ऐसा रीजन है कि जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, यानी कि एक तरीके से एक इकोस्फीयर हो गया कि जो एक पूरे इकोसिस्टम का एक वर्ल्ड वाइड सम होती है, क्योंकि एक इकोसिस्टम के अंदर में ही जितने भी ऑर्गेनिज्म से वो लिव करते हैं। तो जब हम सारे इकोसिस्टम को यदि आपस में उनको एक सम कर लें तो वो मिल के बन जाता है, एक बायोस्फीयर क्रिएट होती है। तो ये एक ऐसा रीजन है कि जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है अर्थ पे, इसके अंदर में जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, इसके अलावा जो हाइड्रोस्फेयर हो गए या फिर जो एटमोस्फेयर होते हैं, तो ये सारे चीज़ आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अब इसके अंदर में देखिए जितने भी आपके एटमोस्फेयर हो गया या फिर जो हाइड्रोस्फेयर हो गया जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, इसके अलावा जो लिथोस्फेयर हो गया, तो ये सारे चीज़ बायोस्फेयर के अंदर में आ जाते हैं। तो इसीलिए इनको बोलाता है कि जोन ऑफ लाइफ बोलाता है अर्थ पे। तो देखिए जो बायोस्फीयर है तो इनको एक तरीके से जब इनका एक जैसे बायोस्फीयर रिजर्व जब बनाई जाती है, ये चीज़ आपने देखा भी सुना भी होगा कि जैसे बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, तो वो इस तरीके से बनाया जाता है कि ताकि फ्लोरा और फौना का जो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरियाज में, तो उनको प्रोटेक्शन किया जा सके। तो अब देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन करने का, यहाँ पे जैसे जो बायोस्फीयर होता है तो उसमें जोन क्रिएट की जाती है, तो जो सबसे अंदर का जोन होता है उसको कोर जोन बोला जाता है, कि जिसमें कि जो रेयर स्पेसीज जो होते हैं या फिर जो फ्लोरा फौना का, तो वो चीज़ उसके अंदर में रहते हैं। तो इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन होती है यानी कि इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन होती है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, इसके अंदर आप जाके वहाँ पे खेती नहीं कर सकते हैं या फिर आप घर नहीं बना सकते हैं। और इसके बाहर का जो जोन होता है उसको बोलते हैं हम लोग बफर जोन। तो यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए छूट दी जाती है, थोड़ी बहुत ही रहती है इसके अंदर में, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहती है। और जो बाहर का जोन है जो ट्रांजिशन जोन है, तो इसमें सभी को अलाउड रहती है कि आप लोग जो भी अपने एक्टिविटीज करना चाहते हैं या फिर सेटलमेंट करना चाहते हैं तो इसके अंदर पे की जा सकती है। तो इस तरीके से बायोस्फेयर जो होते हैं तो उनको जोन में बांटी जाती है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका है कि एन एरियाज दैट कंसिस्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल मैरिन एंड कोस्टल इकोसिस्टम इज कॉल्ड, तो यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसमें कि स्थलीय होते हैं, समुद्री और तटीय जो पारिस्थितिकी तंत्र शामिल होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो अभी आपने देखा था कि इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं हम लोग, कि आपको जिसमें टेरेस्ट्रियल मैरिन और कोस्टल इकोसिस्टम ये सारे चीज़ एग्जिस्ट करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन थ्री यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि अ ट्रीलेस बायोम इज, तो यानी कि एक वृक्ष रहित बायोम कौन सा इसमें से है? तो देखिए जहाँ पे ट्री नहीं होते हैं तो ये आपका जैसे ऑप्शन ऑप्शन पे भी ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है टुंड्रा दिया हुआ है, डेजर्ट दिया हुआ है, ग्रासलैंड है। तो आपने देखा होगा कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो ये भी एक ऐसा इकोसिस्टम है कि जहाँ पे ट्री ना के बराबर रहते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन होगा इसमें। अब देखिए यहाँ पे डेजर्ट आपका दिया हुआ है तो डेजर्ट में भी ट्री जो है तो वहाँ पे भी ना के बराबर रहते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा।
अब इसमें देखिए तुंद्रा आपका दिया हुआ है, तो जो तुंद्रा एक वेजिटेशन है जहाँ पे एक तरीके से क्या होता है कि जो ट्री आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे जैसे बर्फ से कवर्ड रहते हैं ये एरियाज, तो ये भी एक ट्रीलेस बायोम है। तो इसीलिए देखिए इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दे हो जाएगा, यानी कि ये जितने भी हैं तो ये सारे ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको ट्री ना के बराबर आपको दिखाई देने को मिलेंगे, तो इसीलिए क्या होगा ऑल ऑफ दी हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो देखिए यहाँ पे हमने जितने भी इकोसिस्टम थे या फिर इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी टर्म थे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिया इसका। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और देखिए हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का, तो ये आप लोग देख सकते हैं जनरल स्टडीज वाला जो सब्जेक्ट है, तो उसी में आपको जितने भी अब लेक्चर इसके मिलेंगे आगे के जनरल स्टडीज का जो कि आपके पेपर 2 में पूछा जाएगा, तो वो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलता रहेगा। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहना हमारे चैनल के साथ, हम आपका सारे जीएस का जो पोर्शन है इसका आपका कंप्लीट हम करा देंगे एग्जाम से पहले। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के अमाउंग शेयर करते रहना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।